और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बिलासपुर में रविवार की रात कोनी आईटीआई गेट के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दो छात्रों पर अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों छात्र सगे भाई बताए जाते हैं। इन्होंने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दी, जिसके बाद छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों ने थाने में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सदस्य देर रात कोनी थाने में मामले में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मामले में एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि झारखंड के पलामू में रहने वाले जय कुमार और ओम मिश्रा सगे भाई हैं। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के पास किराए के मकान में रहकर गुस्त्रो घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आईटी की पढ़ाई करते हैं। रविवार की शाम 7 बजे दोनों भाई आईटीआई गेट के पास सब्जी लेने गए। वहीं लौटते समय युवकों ने रोक कर बिना कारण उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने वाले 3 युवक बताए जाते हैं, जहां दोनों भाई में से एक भाई के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं दूसरा भाई भी घायल है। मारपीट के बीच हमलावरों ने एक युवक को फैजल के नाम से पुकारा। घायलों ने घटना की जानकारी अपने दोस्तों को देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा मचाने लगे। देर रात तक संगठन के पदाधिकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। दरअसल भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर आतंकी संगठनों ने कन्हैया पर हमला किया था। इस मामले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पीड़ितों ने ऐसी कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं दी है, फिर भी एबीवीपी के कार्यकर्ता इस मामले को उदयपुर से जोड़कर हंगामा करते रहे। पुलिस के पूछताछ में घायल छात्रों ने बताया कि वो हमलावरों को पहचानते नहीं हैं। हमलावर युवक बाइक से उतरते ही बिना कुछ कहे उन पर हमला कर दिए। चलाते रहे, फिर हम लोग पीछे का भागते रहे, पीछे दौड़ते, पीछे साइड में दौड़ते दौड़ते, फिर मैं बोला कि सीधे होकर भागते हैं तो थोड़ा तेज भागेंगे, फिर सीधे होकर अपन भागे तो फिर आगे निकले, फिर थोड़ा सा ज्यादा आया तो लोग फिर वापस आ गए। दोस्तों को बुलाया वहाँ पहुंचे तो कॉल करते, एक तो बारह पे कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।